हाय गाइस मैं कुशल हूं आईसर भोपाल से और आज हम सिग्नल्स एंड सिस्टम्स कोर्स का मॉड्यूल 6.5 सीखेंगे जिसमें हम एल सिस्टम्स के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज जानेंगे इन पर्टिकुलर एल सिस्टम्स के तीन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होते हैं जो एल सिस्टम्स के आउटपुट कैलकुलेट करने में बहुत मदद करते हैं वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी तो आज हम इनके बारे में जानेंगे मॉड्यूल सिक्स पॉइंट फाइव एल टी आई सिस्टम्स और वो प्रॉपर्टीज हैं कम्युटेटिव कौ, डिस्ट्रीब्यूटिव एंड एसोसिएटिव तो आइए देखते हैं ये प्रॉपर्टीज क्या होती हैं वैसे तो ये प्रॉपर्टीज बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट्स हैं बट फिर भी आई सिस्टम्स के कंप्यूटेशन में स्पेशली आपके पास अगर कोई कॉम्प्लेक्स एल सिस्टम हो जिसमें बहुत सारे अलग अलग कॉम्पोनेट्स हो तो उसका आउटपुट कैलकुलेट करने में ये प्रॉपर्टीज बहुत मदद करती हैं तो ये प्रॉपर्टीज ज्यादातर यूज होती है जब आपके पास एक से ज्यादा एल सिस्टम अगर हो और दोनों को किसी तरीके से मिलाया हुआ हो फाइनल आउटपुट निकालने के लिए तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास कॉम्युटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो क्या होती है तो कॉम्युटेटिव तो प्रॉपर्टी ये होती है कि जो हमारा एक्सप्रेशन है एल सिस्टम के कॉन्वोल्यूशन इंटीग्रल का एक्स ऑफ टी कन्व विथ एच ऑफ टी तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये बताती है कि हम इस कॉन्वल्यूशन इंटीग्रल को कम्यूट कर सकते हैं यानी कि जो x ऑफ t है और h ऑफ t है दोनों को हम अगर इंटरचेंज कर दें तो भी इस कॉन्वल्यूशन uh, की जो वैल्यू है या जो एक्सप्रेशन है वो चेंज नहीं होगा तो आइए देखते हैं ऐसा क्यों तो जो y ऑफ t है जैसा कि हम जानते हैं कॉन्वोल्यूशन इंटीग्रल को हम इस तरीके से लिख सकते हैं x ऑफ टाओ h ऑफ t माइनस टाओ डी टाओ अब यहां पे हमें एक चेंज ऑफ वेरिएबल्स करना होगा तो हम सपोज अगर लिखते हैं टी माइनस टाउ इज इक्वल टू प्राइम। अगेन प्राइम यहाँ पे डेरिवेटिव का सिंबल नहीं है यहां पे प्राइम बस ये बताता है कि टाउ प्राइम एक अलग वेरिएबल है जिसकी जिसका एक्सप्रेशन है टी माइनस टाओ तो अगर टी माइनस टाओ अगर टाउ प्राइम है तो यहां से आता है tau is also equal to t minus tau prime हम बस tau को right में ले गए left में ले आए तो इससे हमारे पास क्या आएगा हमारा जो t है वो तो इस integral के respect में constant है तो उसको जब हम derivative लेंगे तो वो zero हो जाएगा क्योंकि वो इस integral में constant है और जो minus tau prime है उसकी जगह पे आ जाएगा minus डी टाउ प्राइम तो अब इस इंटीग्रल को देखते हैं किस तरीके से हम चेंज करेंगे तो जब हमारा टाउ जब माइनस इंफिनिटी है तो हमारा प्राइम क्या होगा प्लस इंफिनिटी क्योंकि टी जो है वो तो एक फाइनाइट कॉन्स्टेंट है तो उसमें हम अगर यहाँ पे टाओ की जगह अगर माइनस इंफिनिटी सब्सिट्यूट करते हैं तो यहां पे प्लस इंफिनिटी आ जाएगा तो इंटीग्रल में यहां पे आया प्लस इंफिनिटी यहां पे आएगा प्लस इंफिनिटी और वैसे ही जब इस इंटीग्रल में हम टाउ इक्वल टू तो इंफिनिटी लेंगे और उसे यहां करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस तो ये है माइनस इनिटी अब अंदर देखते हैं क्या होता है एक्स इज अ फंक्शन ऑफ टाउ तो यहां पे टाउ क्या है टी माइनस टाउ प्राइम तो यहां पे हम लिखेंगे टी माइनस टाओ प्राइम और एच ऑफ t माइनस टाओ की जगह हो जाएगा h ऑफ टाउ प्राइम क्योंकि हम ऑलरेडी एज्यूम कर चुके हैं दी माइनस टाउ इज इक्वल टू टाउ प्राइम और डी टाउ की जगह क्या आएगा डी टाउ की जगह आएगा माइनस माइनस डी टाउ प्राइम तो ये जो माइनस साइन है हम उसे इंटीग्रल के बाहर ले जा रहे हैं और यहां लिख रहे हैं डी टाउ प्राइम तो जैसा कि आप जानते हैं कि इंटीग्रल में अगर इंटीग्रल के बाहर अगर माइनस साइन है तो हम उस माइनस साइन को इंटीग्रल में एब्जॉर्ब कर सकते हैं और उसकी वजह से सिर्फ हमारे इंटीग्रल के लिमिट जो है वो फ्लिप हो जाएंगे जो लोअर लिमिट है वो अपर लिमिट हो जाएगी और जो अपर लिमिट है वो लोअर लिमिट हो जाएगी सो दिस विल बिकम हम अगर इंटीग्रल के लिमिट्स को फ्लिप कर दें फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एक्स ऑफ टी माइनस टाउ प्राइम एच ऑफ टाउ प्राइम डी टाउ प्राइम अब देखिए हमने इस वेरिएबल चेंज के माध्यम से इसका फॉर्मेट बदल के इस तरीके से लिख दिया है पहले आपका टी माइनस टाओ एच में था और अब आपका टी माइनस टाओ जो है वो एक्स में आ गया है तो यहां पे अब प्राइम है या कुछ और वेरिएबल है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये फाइनली प्राइम जो है वो इंटीग्रेट होके माइनस इन्फिनी से प्लस इन्फिनी तक चला जा रहा है तो ये सिर्फ एक वेरिएबल है हम इसे टाओ लिखें टाउप प्राइम लिखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता फर्क इससे पड़ता है कि जो टी माइनस टाउ वाला जो फॉर्म है वो एक्स में है या एच में है उसी से हम लिखते हैं तो यह तो है एक सिंपल प्रूफ एल टी आई सिस्टम के कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का कि आप एक गिवन सिस्टम में अगर आपका इम्पल्स रेस्पॉन्स एच है और इनपुट एक्स है तो उसका जो आउटपुट आएगा वाई उसकी जगह पे अगर आप लेते हैं एक सिस्टम जिसका इंपल्स रिस्पॉन्स इज एक्स एंड इनपुट इज एच तो भी आपका जो आउटपुट है वो सेम रहेगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता तो ये है कॉम्युटेटिव प्रॉपर्टी अब देखते हैं दूसरी प्रॉपर्टी जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है कि जब हमारे पास दो अलग अलग एल टी आई सिस्टम्स हो और इनपुट को उन दोनों के थ्रू गुजर के फाइनल आउटपुट आपको लेना हो यानी कि हमारा सिस्टम कुछ इस तरह का है हमारा ये एक्स ऑफ टी जो है ये एज ए इनपुट आया फिर ये दो अलग अलग सिस्टम्स में इनपुट हो रहा है और फिर इनका जो आउटपुट आता है उसको हम यहाँ पे एडर लगा के एड करके फाइनली हमारे पास जो आउटपुट है वो आता है वाई ऑफ टी तो यहां पे जो ऊपर जो आउटपुट है वो होगा एक्स ऑफ टी कन्वर्ल्व विथ एच वन ऑफ टी और ये जो आउटपुट होगा वो होगा एक्स ऑफ टी कन्वर्ड विथ एच टू ऑफ टी तो हमारे पास अगर ये दो अलग अलग आउटपुट्स हैं, जिनको ऐड करके हमारे पास वाई ऑफ टी बन रहा है तो हम लिख सकते हैं दैट वाई ऑफ टी इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी कन्वर्ड विथ एच वन ऑफ टी प्लस एक्स ऑफ टी कन्वर्ड विथ एच टू ऑफ तो क्योंकि हमारा जो एल सिस्टम है वो एक लीनियर सिस्टम है क्योंकि एल टी आई में एल का मतलब होता है लीनियर तो बिकॉज इट इज अर सिस्टम हम यहाँ पे जो एक्स ऑफ टी है उसको यहां पे कॉमन ले सकते हैं और फिर लिख सकते हैं दैट इट इज कॉन्वल्यूशन विथ एच वन ऑफ टी प्लस एच टू ऑफ टी तो इसे कहते हैं कॉन्वल्यूशन इंटीग्रल की डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कि यहां पे हमने एक्स को पहले दो अलग अलग सिस्टम्स के थ्रू इनपुट करा के जो आउटपुट निकला उसे ऐड करके हमारे पास वाई ऑफ टी बना उसकी जगह पे हम ये भी कर सकते थे कि हम एक सिस्टम बनाते जिसका इम्पल्स रिस्पॉन्स होता एच वन ऑफ टी प्लस एच टू ऑफ टी और उसमें हम अगर इनपुट देते वही सेम एक्स ऑफ टी तो हमारे पास वही आउटपुट निकलता जो कि हमारे पास यहाँ पे निकला है तो ये जो हमारा जो सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन है इसे ब्लॉक डायग्राम कहते हैं इसके बारे में हम और सीखेंगे बाद में तो ये जो हमारा रिप्रेजेंटेशन है सिस्टम का और ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये दोनों एग्जैक्टली इक्वी वैलेंट है बिकॉज एलटीआई सिस्टम ओबे दिस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी तो अगेन जैसा कि मैंने बताया कि ऑल दो ये प्रॉपर्टी दिखने में बहुत सिंपल है लेकिन जब आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स जब नेटवर्क होता है सिस्टम्स का जिसमें बहुत सारे अलग अलग एल टी आई लगे होते हैं तो उनकी एनालिसिस को सिंप्लीफाई करने में ये बहुत काम आता है तो अब इस मॉड्यूल के लिए जो आखिरी प्रॉपर्टी हम स्टडी कर रहे हैं वो है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तो देखते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी अगेन वहां पे काम आती है जब आपके पास दो अलग अलग सिस्टम्स हो लेकिन यहां पे थोड़ा सा सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन अलग है पिछले केस में हमने क्या किया था कि एक्स ऑफ टी को पहले एच वन के थ्रू हमने इनपुट किया था फिर एच टू ऑफ टी के थ्रू इनपुट किया था और फिर दोनों को निकाल के आउटपुट निकाल के दोनों को एडर के थ्रू एड करके हम वाई ऑफ टी लिए थे उसकी जगह पे हम क्या करेंगे कि हम इस एक्स ऑफ टी को पहले एच वन ऑफ टी के थ्रू इनपुट करेंगे और फिर हम उसे इस आउटपुट को हम एच टू ऑफ टी के थ्रू इनपुट करेंगे और उसका जो आउटपुट आएगा वो आएगा वाई ऑफ टी यानि कि जो इस पॉइंट पे जो हमारा जो आउटपुट है वो है x of t convolved with h1 of t और ये जो y ये t है दिस इज इक्वल टू x of t convolved with h1 of t in brackets convolved with h2 of t तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमें क्या बताती है कि हम इस सिस्टम को हम Uh, इस तरीके से लिख सकते हैं कि हम अगेन इन दोनों सिस्टम्स uh, को हम कंबाइन कर सकते हैं वो कंबाइन हम कैसे करेंगे कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमें बताती है कि अगर हमारा y ऑफ t कन्वर्ड विथ एच वन ऑफ टी विच इज कन्वर्ड विथ एच टू ऑफ टी तो हम ये जो ब्रैकेट uh, है इसको ओपन करके हम एच वन और एच टू के अराउंड ब्रैकेट्स लगा सकते हैं सो दिस इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी कन्वर्ड विथ एच वन ऑफ टी कन्वर्ड विच टू ऑफ टी तो यानी कि हमने क्या किया हमने अगेन इन दो सिस्टम्स को हमने कंबाइन करके कैस्केड में जो सिस्टम्स थे हमारे उन दोनों को कंबाइन करके हमारे पास इफेक्टिव सिस्टम आ गया ही हमने x ऑफ t इनपुट लिया इन टू सिस्टम जिसका इंपल्स रिस्पॉन्स है एच वन ऑफ टी कन्वॉल्व और इसका जो आउटपुट आया वो आया वाई ऑफ टी तो आप पूछेंगे ये कैसे किया हमने कि हमने इन दो सिस्टम्स को जो अलग अलग थे उनको हमने इस तरीके से कैसे कंबाइन कर दिया तो टाइम डोमेन में भी आप इस चीज को प्रूफ कर सकते हैं लेकिन इसका प्रूफ फ्रीक्वेंसी डोमेन में काफी और इजी हो जाता है तो जैसा कि हम जानते हैं कि टाइम डोमेन में अगर दो सिग्नल्स को हम कन्वॉल्व कर रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो जाता है यानी कि दोनों का प्रोडक्ट हो जाता है तो अभी हम इस सिग्नल का अगर हम फोरियर ट्रांसफॉर्म लेते हैं तो हमारे पास आता है कैपिटल वाई ऑफ जे ओमेगा इक्वल टू कैपिटल एक्स ऑफ जे ओमेगा इंटू कैपिटल एच वन ऑफ जे ओमेगा इंटू कैपिटल एच टू ऑफ जे ओमेगा और जैसा कि हम जानते हैं कि जो मल्टीप्लीकेशन होता है सिंपल मल्टीप्लीकेशन वो एसोसिएटिव होता है यानी कि आप इस ब्रैकेट्स को हटा के लिख सकते हैं कैपिटल एक्स ऑफ जे ओमेगा इनटू कैपिटल एच वन ऑफ जे ओमेगा एंड एच टू ऑफ ओमेगा ये सिंपल मल्टीप्लीकेशन के एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से फॉलो करता है तो अगेन अब हम इसका अगर फोरियर ट्रांसफॉर्म uh, लेंगे तो हमारे पास इस एक्सप्रेशन से हम इस एक्सप्रेशन पे आ जाएंगे तो ये है एक सिंपल प्रूफ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का तो ये क्या बताता है कि अगर दो सिस्टम्स अगर सिक्वेंशियली अगर लगे हों एक के बाद एक अगर लगे हों तो, uh, तो जो इफेक्टिव सिस्टम है उसका इंपल्स रेस्पॉन्स होगा इन दो इंडिविजुअल सिस्टम्स का के इंपल्स रेस्पॉन्स का कॉन्वल्यूशन या फिर इन दो इंडिविजुअल सिस्टम्स के फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स का प्रोडक्ट तो ये है एक तरह का कॉम्बिनेशन जिसे हम सीरीज कॉम्बिनेशन या कैस्केड कॉम्बिनेशन बोल सकते हैं और जो दूसरे तरह का कॉम्बिनेशन होता है वो वो होता है पैरल कॉम्बिनेशन जहां पे एक्स ऑफ टी हमारा एच वन और एच टू दोनों के थ्रू जा रहा है और फाइनल जो आउटपुट है वो वो वाई ऑफ टी के रूप में आ रही है तो यहां पे हमारे पास जो इफेक्टिव जो सिस्टम है वो हो जाता है एच वन ऑफ टी प्लस ऑफ इन द टाइम डोमेन एज वेल एज इन द फ्रीक्वेंसी डोमेन वहां पे भी क्योंकि जो फूरियर ट्रांसफॉर्म है वो एक लीनियर ट्रांसफॉर्म है तो सम इन द टाइम डोमेन विल बिकम सम इन द फ्रीक्वेंसी डोमेन लेकिन एसोसिएटिव केस में क्या होता है क्योंकि टाइम डोमेन में हमारे पास कॉन्वल्यूशन है तो उस वजह से फ्रीक्वेंसी डोमेन में हमारे पास प्रोडक्ट आ जाता है तो ये हैं कुछ प्रॉपर्टीज जिनको यूज करके आप एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स को बड़ी आसानी से सिंप्लीफाई कर सकते हैं अगले कुछ मॉड्यूल्स में हम एलटीआई सिस्टम्स के कुछ और प्रॉपर्टीज के बारे में सीखेंगे थैंक यू